जी तो गाइस देखें, ये हमें मैप दिया गया है, रूम्स हमारे रिजर्व हो गए हैं। तब हमारा देखें लगने लगा, हम लोग पहुंच गए हैं अपनी जगह पे। देखें ये हमने रूम लिया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम दोबारा से रोड के ऊपर व्लॉग शुरू कर लिए, रोड ट्रिप करने लगे हैं। 1 डे रोड ट्रिप, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, तकरीबन 3 घंटे के रास्ते जा रहे हैं। तो मेरे साथ हैं समंथा, मेरा बच्चा शॉन, पीछे अलमशहूर गुलजेब भाई और अलशावा जी। हेलो गाइस, और उनकी अहलिया। तो हम लोग जा रहे हैं गाइस खाओ याई नेशनल पार्क में, और वहीं पे हमारा स्टे है। और बारबेक्यू का सामान, कढ़ाई, नान, हर चीज़ हमारे पास है। आइस बॉक्स इधर पड़ी हुई है और हम लोग जा रहे हैं और बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। और हमेशा की तरह जो मेरी ख्वाहिश होती है कि अच्छा मौसम हो, तो खुदावंद ने वो भी पॉसिबल कर दी है। मौसम भी बड़ा अच्छा है और बस जा रहे हैं, तकरीबन 1 बजे तक पहुंचेंगे हम। मगर उससे पहले हम कहीं पे स्टे करेंगे। गाइस कुछ खाना पीना है, भूख लग रही हो? ज़रूर कुछ ना कुछ खाएँगे हल्का फुल्का, और उसके बाद जो है ना हम अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ करेंगे। तो गाइस तब तक आप रोड देखें। बताएं कैसा फील हो रहा है? बारिश हो गई है सर, क्या मौसम है, क्या समा है। गाइस आप समा देखें, पीछे गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है हमने, और बहुत तेज़ तूफानी बारिश हो गई है। तो अब हमारा प्लान है कॉफ़ी वगैरह पीने का, कॉफ़ी पीते हैं। गाइस हम कॉफ़ी पीने आए हैं। जी गाइस क्या कर रहे हैं आप लोग? ड्रिंक्स खाएंगे। तो आप लोगों ने ऑर्डर कर दिए ड्रिंक्स? आप लोगों का वेट करें, जब बाहर आया तो फिर हम भी चलेंगे। चले तो गाइस गुलजेब भाई कॉफ़ी बना रहे हैं जल्दी जल्दी। बाजी को मैंने शॉन पकड़ा दिया है और हम यहाँ से हम अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रहे हैं। देखें कॉफ़ी और पीनट्स खा रहे हैं। ये मेरा शॉना देखें, और बारिश स्टिल वैसी की वैसी है। और कुछ खाना भी हमने ऑर्डर किया, अभी वो बन रहा है हमारे लिए, गर्म कर रही है और इन्जॉय हो रहा है। जी तो गाइस हमने एक तरह से नाश्ता कर लिया और हम जा रहे हैं अब खाओ याई की तरफ। हम साराबुरी के अंदर हैं इस टाइम पे। जी बाजी खाना ठीक था? जी गुलजेब भाई बहुत मज़ा। चले अब गुलजेब भाई ड्राइव करेंगे और हम पीछे बैठेंगे। जी तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं खाओ याई नेशनल पार्क में। ये देखें हम लोग आ चुके हैं। जी तो गाइस यहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं है, और खाना आपने जानवरों को नहीं खिलाना। स्पीड आपकी 60 तक होनी चाहिए। अरे हम जा ही रहे हैं, देखें। जी गाइस देखें हमने तकरीबन सफ़र तय कर लिया 19 किलोमीटर। ये देखें जी कैसे नज़ारे हैं। सर कुदरत के नज़ारे क्या खूबसूरत है जी। तो गाइस मेरा सोना भी आगे देखें स्नैक्स खोलने लगे हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ड्राइव स्लो करनी है तो इसलिए हम स्लोली स्लोली जा रहे हैं अपने विजिटर सेंटर की तरफ। 8 किलोमीटर रह गए जी। तो गाइस देखें एक हिरन का बच्चा देखें। जी तो गाइस खाओ याई तो पहुंच चुके हैं हम। अब ये है कि मैं विज़िटर सेंटर में जा रहा हूँ पता करने के लिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने रूम्स अगर करने हैं तो आप वॉक इन पे भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूम्स अवेलेबल हैं इन दिनों में। तो ये देखें ये विज़िटर सेंटर जी। जी तो गाइस ये देखें जितने भी जानवर आपको नज़र आ रहे हैं ये सब जो है ना वो असली हैं और इनको हनूत किया गया है। ये देखें जी। तो गाइस देखें ये हमें मैप दिया गया है। रूम्स हमारे रिजर्व हो गए हैं, पेमेंट भी हमने कर दी है। तो तकरीबन 1200 के 2 रूम्स हमें मिले हैं सिंपल वाले और ये मैप है। तो गाइस देखें बंदर सारे रोड के ऊपर हैं। देखें ये देखें वो खुद इनसे डर रहे हैं मुझे लग रहा है वो नीचे। हाँ। जी तो गाइस ये देखें ये एक व्यू पॉइंट है। बहुत ही ज़्यादा हम इस टाइम पे बुलंदी पे हैं। ये देखें जी। तो गाइस ये देखें ये हमारा रूम है। देखें टॉयलेट जी। तो गाइस सेटअप हमारा देखें लगने लगा है। हम लोग पहुंच गए हैं अपनी जगह पे। देखें ये हमने रूम लिया है और ये देखें सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। ये देखें जी जी। तो गाइस ये टॉर्च हमारे हाथ में है और हम वॉक के लिए थोड़ा सा निकले खाना छाना खा के। और गाइज़ इसके बाद हम अपने रूम में जाके सो गए थे क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, ड्राइव की थी, थक गए थे और फिर दोबारा सुबह उठे। सुबह का व्लॉग इसके बाद आएगा और देखते रहिए, स्टे ट्यून। बारबेक्यू की सीखें लग चुकी हैं, बारबेक्यू बन रहा है जी। गाइस फाइनली फ्रूट काट चुके हैं। जब कल से मैं सफ़र कर रहा था और बहुत जस्तजू थी गुलजेबे की के हम जी। तो गाइस गुड मॉर्निंग और सुबह हो चुकी है, 6 बजने वाले हैं मगर बारिश स्टिल हो रही है। मुझे बारिश पसंद है मगर इतनी भी नहीं क्योंकि ये फिर आपके काम को रोक देती है। तो गाइस अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे सारे एरिया को। हमारा प्लान तो था कि उस तरफ जाके कुर्सियाँ रख के तो बैठेंगे मगर अब बारिश ही नहीं रुक रही तो खुदा करे कि बारिश रुक जाए। लो भी बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने एनके लगाई ताकि मैं यहाँ के जानवरों को नज़र ना आऊँ। फिर गाड़ी स्टार्ट की और हम चल दी। जी तो गाइस एक ये देखें बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट है जहाँ पे हमने अपना सेटअप लगाया है। देखें कुर्सियाँ रखी हैं, शॉन भी अपने स्टॉलर में आ गए और ये देखें। जी तो गाइस आपने पिक्चर्स देखी हैं और वीडियोस देखी कि कितनी ज़बरदस्त जगह थी जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हुए थे। तो हम वापस जा रहे हैं अपने रूम में, वहाँ से हम फ्रूट्स खाएँगे क्योंकि भूख सबको लग गई है। तो फ्रूट्स हम निकल के लेके आए हुए थे, फ्रूट्स खाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पीने के बाद हमारा नाश्ते का प्लान है। इसी तरह जो है ना फिर हम इस जगह को एक्सप्लोर करते रहेंगे और यहाँ से निकलेंगे फिर हम 2 बजे तक। तो अभी सर्दी काफ़ी हुई है, तो दिखाते हैं आपको अगली जगह भी। जी तो गाइस 11 बजे हमारा चेकआउट है और ये देखें हमारे रूम की हालत। अब बस सामान अपना पैक करेंगे जल्दी जल्दी और फिर निकलते हैं यहाँ से। ये देखें कि हमारी बिल्कुल रूम की बैक साइड पे बारासिंगा जो है वो आया हुआ है और वो घास खा रहे हैं। जी गाइस तो अब हम देखें यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे माया खाना खाने के लिए। जी सैंता कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बारिश देखें स्टिल हो रही है, बारिश हल्की हल्की, मगर बारिश हो रही है और आपका एंजॉय रुक जाए तो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो सूख तो जाना ही है एक दिन इंसान ने, तो अगर आप अपना एंजॉय ख़राब कर लें तो ये अच्छी बात नहीं है। हो चुका है, हमने इनसे इजाज़त ली है। इनकी शॉप है जो रेस्टोरेंट वाली, उन्हें हमें कहा है कि हम बारबेक्यू बना सकते हैं यहाँ पे उनके शॉप पे, क्योंकि इधर बाहर कहीं भी अलाउ नहीं है। तो सैम की जल्दियों से आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी नज़र आ रही है फेस पे। और यहाँ पे गुलजेब भाई भी हैं, ये देखें गाइस। ये देखें तैयारियां चल रही हैं। ये देखें ये चिकन है हमारा। ये देखें गाइस, तो ये बारबेक्यू टाइम तो हो रहा है। उल्टा पड़ा था कल रात, मैं वही कह रहा था ना। ये देखो ऊपर रखते ना, तुम पहले रखा था ये उल्टा पड़ा था। हां जी गुलजेब भाई, कैसी फीलिंग है बारबेक्यू की इजाज़त मिलने के बाद? दिल बाग बाग हो गया। वाह, और सैम आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये गाइस हमारा बारबेक्यू है, फ्रूट्स, कोयले जल रहे हैं, ये हमारी छोटी सी अंगीठी है और बस हम शुरू करने लगे हैं बारबेक्यू। जी गाइस फाइनली फ्रूट काट चुके हैं। जब कल से मैं सफ़र कर रहा था और बहुत जस्तजूद थी गुलजेबे की कि हम फ्रूट खाएं, और जो कि मज़ा भी आ रहा है। सुबह सुबह खाने में लड़कियाँ स्नैक्स और कॉफ़ी पी रही हैं और ये हमारा अच्छा सा रेस्टोरेंट है। और ये मेरा बेटा है चोना चा, मेरा क्यूट। जी तो गाइस बारबेक्यू हमारा देखें रेडी हो रहा है। धूप थोड़ी सी निकली थी, दोबारा चली गई है। गुलजेबे ने फ्रूट पे जोर रखा हुआ है और बारबेक्यू भी ज़रूर खाएंगे, ऐसा नहीं कि बारबेक्यू नहीं खाएंगे। और फावका भी आ गया, ये देखें। ये गाइस बारबेक्यू हो और फैंसी वाला ना हो तो फिर बारबेक्यू पूरा नहीं होता। जी तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं, अपने रूम से चेकआउट कर लिया है और रूम्स की वापस करेंगे। उसके बाद हम जाना है व्यू पॉइंट पे और इसी तरह डिफरेंट जगहों को देखते हुए हम खाओ याई नेशनल पार्क से बाहर निकलेंगे। जी सैंता कैसा लग रहा है आपको? मुझे भी आप बताएं। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त ट्रिप था। तो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर टाइम गुजरा। यहाँ पे बड़ा अच्छे रूम्स हैं, बड़े भी रूम्स हैं, घर भी हैं, रूम भी हैं। तो डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो ज़रूर आए, बड़ी अच्छी जगह फैमिली के साथ आने के लिए। तो गाइस फिर आपको दिखाते हैं अगले सारे मंजर। कमाल जगह से घूम फिर के अब निकल चुके हैं उधर से, तो बस अब रास्ते में वी आर गोइंग होम। हाँ जी, अभी खाओ याई को रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी एक्सप्लोर करते हुए हम जाएंगे और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे रोड्स। आपको नेशनल पार्क से निकलने के बावजूद भी बहुत रोड इसके खूबसूरत हैं और बड़ा अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है। और गर्मी भी इतनी नहीं थी, है ना समंथा? बहुत ही, सुबह तो बहुत अच्छा जो वेदर था बहुत अच्छा था, ठंडा था, सर्दी भी बहुत लग रही थी और बहुत इन्जॉय किया हमने। शुक्र है खुदा उनका, और ये सारी चीज़ों को देखा जो खुदा उनकी हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं। बहुत खूबसूरत जगह थी, तो आपको दिखाते हैं, आपको भी रोड्स आ गए। ये देखिए यहीं से देख सकते हैं जी। तो गाइस देखें, गाड़ी 50 किलोमीटर तक बता रही है कि चलेगी पेट्रोल के लिहाज से। पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे हैं हम, लेट्स सी। जी तो गाइज़ अब हम लोग आ गए हैं बैंकॉक वापस। खान रेस्टोरेंट पे देखें हम लोग पहुंच चुके हैं, खाना खाने लगे और ये बच्चा हमें सुकून लेने दे रहा। जी गुलजेब भाई थक तो नहीं गए? अच्छा समंथा आप थक गई बाजी? आप कैमरे के बाद सबके बयान बदल गए हैं, मगर ये है कि सब थके हुए हैं। मगर मैं जो कि आप लोगों का नहीं थकता, तो ये है कि खाना खाते हैं फिर अपने अपने घरों को जाते हैं। जी तो गाइस खाना देखें आना शुरू हो गया। हमने निहारी ऑर्डर की है, बिरयानी, चपली कबाब, समोसे और नान है, तो शुरू करते हैं। जी तो गाइस भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और इस क्लिप के बाद हमने वीडियो नहीं बनाई, खाने में मसरूफ़ हो गए थे और हम घर गए थे और बस रेस्ट की थी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी।